तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग हैं मनाली में और सुबह के बज रहे हैं 7:15। देखिए बाहर कैसा वेदर है, मैं आपको बाहर लेकर के चलता हूँ। अभी ये होटल है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं और वहाँ से मैं आपको ड्रोन व्यू दिखाता हूँ। सो अभी आ गए हैं बाहर। यहाँ पे सुबह मैंने गाड़ी लगाया था, लेकिन गाड़ी बैक टू बैक लगा रहा था, स्पेस की प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमने ये किया है, इसको साइड में लगा दिया। तो मैं सबसे पहले आपको ये ग्राउंड दिखाता हूँ कि सुबह के 7:30 बजे कैसा दिखता है, कैसा वेदर है। ठंडी है यहाँ पे, ठंडी ज़्यादा है क्योंकि इसके बगल में एक रिवर दिखती है, वो मैं अभी ड्रोन से आपको ले जाके दिखाता हूँ। गाड़ी को भी हमने साफ़ कर लिया है यहाँ पे, ये थोड़ा सा एक ऊपर ऊपर हमने साफ सफाई कर लिया है। कल एक यूट्यूबर मिल गए थे, यूट्यूबर के साथ सरस्वती और अफसार करके दो यूट्यूब चैनल है, ट्रेवल विदाउट मनी और ट्रेवल विथ अयर करके, तो उन लोगों के साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ऊपर का व्यू। टेक ऑफ परमिटेड, ओके, नाउ विल टेक ऑफ। स्टार्ट हो गया, ओके। तो अब इसको लेके चलते हैं ऊपर नदी किनारे, लेट्स सी कहाँ दिख रहा है, मुझे पता भी नहीं चल पा रहा है। गुडनेस, इस तरफ अगर आप देख पा रहे हैं तो इस तरफ का व्यू देखिए, क्या लाजवाब, माय गुडनेस, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। इस बाजू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा है वाटरफॉल, यहाँ पे देखिए वाटरफॉल कितने सारे, इतना एक्स में कर देखिए, मस्त ऊपर से वाटरफॉल निकल रहा है। ये सारे जो है ही सारे एप्पल के पेड़ है, कोई किसी में लटका भी है क्या, लटका है एक तो दिख रहा है मुझे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पीक्स, कितना लाजवाब प्यारा नज़ारा है, ये आँखों से देखने पे तो अलग ही दिखता है भाई साहब। को एक एप्पल तोड़ करके जो है मैं देता हूँ, ऊपर से इसको पकड़ो तो जा, ये डंडी को पकड़ो, हाँ वाओ, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, ओह आ गया चाय सुबह का। सो भाई अब आ गया है यहाँ पे चाय और गर्म पानी भी होटल से मंगाया हमने, होटल बहुत अच्छा है, लेकिन यही है कि थोड़ा सा कॉस्टली होता है, और सामने अगर बैक साइड है
ये आपको एप्पल जो अभी मैंने तोड़ करके दिखाया, और ये देखिए हमारे हाथ में है, तो इससे अच्छा नज़ारा क्या ही हो सकता है। कहाँ, यहाँ ये चेरी है। पे? ओ वाह, चेरी का पेड़ यहाँ पे है लगा हुआ, सब जो लाल लाल जो आपको दिख रहे हैं ये सब भागा हुआ चेरी है। वाह अमेजिंग। सो चलते हैं अभी ऊपर, और ऊपर जल्दी से आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ। लुक एट दिस, ये है ताज हमारा। सो गाइस, अभी मैं मनाली में हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे कितना लाजवाब है। ऊपर देखिए हिमालय रेंजेज कैसा दिखता है, कहीं से भी इवन होटल में भी उठते हैं तो अपन को यही दिखता है। मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, ठंडी यहाँ पे होती है बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितना लाजवाब, वाइट वाइट ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसा वाइट तो साल्ट भी नहीं होता है, और उसके ऊपर सनलाइट का जो है चमकना बड़ा प्यारा दिख रहा है, लवली जबरदस्त लाजवाब। ये देखिए लेफ्ट से लेके इस तरफ राइट में भी सभी जगह सेम चीज़ें हैं, और अगर एंटी जूम करूँ तो एक्चुअल में देखिए ये है वाटरफॉल कहीं पे दिख रहा है। इस बाजू अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी अपने को ये दिखता है, एक एक श्रृंखला यहाँ पे दिख रही है। ये नीचे ब्यास नदी और ऊपर में ये हिमालय रेंजेस, लाजवाब। साइड में पार्किंग का प्लेस दिया है, मतलब पेड नहीं है, अनपेड ही है। और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है, यहाँ पे आपको दिख पा रहा है। आ गए भाई, फौरन बहुत ज़्यादा दे रहा है हमने से सही। आ गए, ठीक है ना। गॉड लुक एट दिस, है हाँ। ये देखिए क्या नज़ारे हैं भाई साहब। ओह हाँ, मंदिर, गर्म पानी का झरना यहाँ पे है। वाह, ओह माय गॉड लुक एट दिस, ये है इसको बोलते हैं ब्यूटी भाई। ट्रैकिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग हाँ हाँ, नहीं वो इसकी है, उतना ज़्यादा ऊपर जाके भी ठीक नहीं। ओह माय गॉड क्या इधर दिख रहा है भाई साहब, ये छोटा मोटा नहीं बड़े पे। इस तरफ से अपना आ गया गाड़ी, ऐसा इधर गिर सकते हैं क्या। सो गाइस, ऐसे जगह पे, इतनी ठंडी वाली जगह पे, जैसा ये सामने देख पा रहे हैं बर्फ ही बर्फ, और वहाँ पे गर्म पानी, नेचुरल गर्म पानी अंदर से आता है, और उसका एक कपड़े धोने के लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ये धुआं इससे निकल रहा है। ये देखिए फुल सल्फर पानी में पी के देखो, इसको पी भी सकते हैं, थोड़ा साल्टी अब पियोगे। पीजिए कैसा लगा? अच्छा लगा ना, टेस्टी, थोड़ा सा साल्टेड टाइप, थोड़ा सा सल्फर टाइप का, और गर्म है। दान पाते हैं, डोनेशन बॉक्स है, बट दिस इज फ्री ऑफ चार्ज। चप्पल खोलते ही नीचे इतनी ठंडी है कि उसका कुछ जवाब नहीं है ना डेनिस। दोनों पैर नहीं रखा जाएगा, पैर नहीं रखा जाएगा, इधर उधर 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 नहीं, इधर क्या बोला। हाँ और यहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं, ये देखिए फॉरेनर एंड ऑल। वाह, अच्छा, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड। हाँ डेली नहाते हैं इतने गर्म से। हाँ लेकिन होटल में जब से आए हो तब से नहा नहीं पाया। क्यों? घर पे सिर्फ नहा पाता था। अच्छा, यहाँ गर्म उतना आई नहीं, अगर आता है तो 2 सेकंड रहता है उसका खत्म। अच्छा,
तो यहाँ पे आके नहाने का नहीं, यहाँ पे इतनी अच्छी गर्म पानी है क्या? इससे डूब जाऊंगा तो? डूबने का हाइट है क्या, कितना फीट है? कम हाइट है, स्विमिंग पूल से कम था? स्विमिंग पूल से कम है ना हमारे वाले। हाँ ये देखिए सामने वाले लोग, तो 3-4 फीट का है पानी, और क्या 3-4 फीट पानी है। स्विमिंग पूल से तो आपका है ना ज़्यादा इसका डेप्थ का एक्सरसाइज हो रहा है पैर। ओहो बहुत, और ये पानी आ रहा है कहाँ से? डायरेक्टली पहाड़ से ही आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गीजर से, कितना पावरफुल गीजर लगाया है ना। ये 3 इंच का पाइप के बराबर है, 3-4 इंच के पाइप के इतना मोटा धारा ये नेचुरल आ रहा है। तो गाइस अंदर आपने देखा, ये है गर्म पानी का नेचुरल स्रोत यहाँ का मनाली का, एंड यहाँ पे सामने क्या स्थिति है भाई। सो अब इसके बाद चलते हैं वशिष्ठ मंदिर, ये पॉपुलर मंदिर है। यहाँ भी गर्म पानी है, इसमें भी गर्म पानी। चलो वाह, सो ये है तो राम मंदिर नहीं, जय श्री राम। वाह वेरी गुड, तो इधर आपको दिखाता हूँ नज़ारा, आप देखिए बदल रहा है कैसा ढक गया, पल पल मौसम चेंज होता है। और पार्किंग में देखिए, एक बार देख के आता हूँ, हाँ उसमें ही चलेंगे। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, लुक एट दिस, ओए होए, धीरे धीरे वो यार ढक लेगा, बादल ढक लेगा इसको। वाओ अमेजिंग, व्हाट अ ब्यूटी। और ये जी आ गए फाइनल हम लोग, वाओ।